नमस्कार, मैं मदनलाल, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। श्री विजयनगर में किसानों ने गेहूं के उठाव नहीं होने के कारण उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, आइए देखते हैं रिपोर्ट। श्री विजयनगर में किसानों ने गेहूं का उठाव नहीं होने के विषय में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि एमएसपी पर गेहूं की खरीद जारी है, लेकिन उठाव नहीं होने के कारण किसानों को फसल लाने व भुगतान करने में अनावश्यक विलंब करना पड़ रहा है। इस समस्या के संबंध में कई बार भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या दस के दस बनी है। किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चित काल तक आंदोलन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष श्री विजयनगर से नरेंद्र सिंह जी, जिला प्रवक्ता भारतीय किसान संघ श्री गंगानगर से रघुवीर चौधरी, संतलाल स्वामी तहसील उपाध्यक्ष व किसान व मजदूर वर्ग आदि मौजूद थे।